हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम मिस्टर आस्तानी हैकर। तो कैसे आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई साहब, आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे इस कैलेंडर का। वैसे यार गाइस, कैलेंडर चीज़ों को काटने के लिए, जैसे लोहे या किसी अन्य चीज़ को काटने के लिए काम में लिया जाता है, और उस चीज़ के लिए ये ज़रूरी होता है, ये जो लोहे की जो प्लेट होती है गोल सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम इससे नहीं काटेंगे, हम काटेंगे सिंपली एक कपड़े से, और वो कपड़ा है हमारे पास में ये सिंपली एक नॉर्मल सा कपड़ा है, एक कपड़े का टुकड़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कपड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कपड़े को सेम इसकी साइज में गोल शेप में इसको काट लेंगे, और फिर इसको यहाँ लगाएंगे कपड़े के टुकड़े को, और देखते कि क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिस चीज़ को हम काटना चाहते हो वो चीज़ कट पाएगी या नहीं कट पाएगी। शुरू करते हैं वीडियो। मगर यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं वीडियो और मिले एंड में। यार गाइस, पहले मैं आपको इस कैलेंडर को दिखाता हूँ। ये हमारे चालू कंडीशन में, अब इसे खोलते हैं और फिर लगाते हैं इसके ऊपर कपड़ा। इसे बंद करते हैं। यार गाइस, इसे गोल काटने के लिए हमें सिंपली कुछ इस तरह की कटोरी या कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं। तो इसे पहले मार्किंग कर लेते हैं गोल। और राइट गाइस, यार आप देख सकते हैं कि मैंने गोल मार्किंग कर ली। तो अब इसे काटना शुरू करते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद में हमारे पास में ये जो गोल हिस्सा है कपड़े का, वो कट के आ चुका है। तो अब इसे लगाते हैं ग्राइंडर पे। पहले इसे बीच में से काट लेते हैं, ताकि जो ये फिट हो जावे। यहाँ गया हमारे पास में। तो अब इसे लगाते हैं इसको पर, और देखते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो हो पाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या ये ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यार गाइस, अब जो हमारा कैलेंडर है वो देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो काफ़ी ढीला है, और ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो शुरू करते हैं, एंड आई होप कि ये चल जावे सही से। और यार भाई, यहाँ पे जो कपड़ा है उसके धागे बाहर आ रहे हैं चारों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो कपड़े हैं वो चारों तरफ से निकल लिए इधर उधर। एक बार और चलाते इसे, इस बार ज़्यादा देर तक। यार गाइस, ऐसी स्थिति में तो कुछ चीज़ काटना इम्पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही दूसरा टुकड़ा काटेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे फेविक्यूब, और देखते हैं कि वो काम कर पाता है या नहीं। तो पहले इसे खोल लेते हैं हम। तो यार गाइस, ये मैंने दूसरा टुकड़ा काट लिया है, बट यार ये जो है काफ़ी इधर उधर भाग रहा है, मतलब ढीला है तो इधर उधर भाग रहा है। तो इसे चाहिए सपोर्ट। अब वो सपोर्ट मिलेगा फेविक्यूब से। तो हमारे पास में देख सकते हैं यहाँ पर फेविक्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फेविक्यूब को इसके ऊपर लगाएंगे कपड़े के ऊपर, फिर देखते हैं कि क्या ये इसे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगाते हैं पहले इसे इसके ऊपर। हमें जो है फेविक्यूब को इस तरीके से लगानी होगी। अरे यार, ये चिपक नहीं जाए। हमें सबसे ज़्यादा इस किनोर के ऊपर लगाना है कपड़े की किनोर के ऊपर, ताकि क्योंकि यही चीज़ यही कपड़ा हमारी जो है दूसरी चीज़ को काट पाएगा। तो
हमारा जो कपड़ा है फेविक्यूल लगाने के बाद में कुछ इस तरीके का दिख रहा है और कुछ इस तरीके का हार्ड हो गया, मतलब कि इसे सपोर्ट मिल गया। तो अब इसे ज़्यादा देरी ना करते हुए लगाते इसे ग्लेंडर के ऊपर और फिर देखते हैं कि हमारा आइडिया है जो काम करेगा या नहीं। तो भाई सबसे पहले हम काटेंगे लोकी यानी कि बॉटल क्राउन। तो लोकी काटने से पहले देखते कि इसके धागे वागे तो नहीं निकल रहे ना। और यार गाइस इसके धागे नहीं निकले, यानी कि मेरा जो आइडिया है वो 50% काम कर चुका है। अब 50% ये बचा है कि क्या ये लोकी को काट पाएगा या नहीं। तो ये रही हमारी लौकी, अब इसे काटते हैं सिंपली एंड आई होप कि मेरा आइडिया जो काम कर जाए। यार मेरा आइडिया तो काम कर गया मगर इस आइडिया ने जो लौकी ने है मेरे ये जो कपड़े हैं मेरे खराब कर दिए। वैसे यार मेरा जो आइडिया है मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है कि मेरा जो आइडिया है वो सिंपली काम कर गया है। तो अब इसे पूरी को काटते हैं अलग अलग तरीके से। ये तो हो गई लौकी, अब काटते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जो कि काफ़ी हार्ड होती है, उसकी ब्लेयर जो होती है प्लास्टिक की होती है, देखते कि उसे ये काट पाएगा या नहीं। तो भाई साहब ये है हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पेप्सी स्वैग से स्वागत, इसे रखते हैं देखते हैं क्या ये इसे काट पाएगा या नहीं। और यार गाइस मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या इस कपड़े ने, मामूली से नॉर्मल से कपड़े ने इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काट दिया। आप देख सकते हैं कि इस कपड़े ने यहाँ से हल्का सा खड्डा कर दिया है। अब इसे टेस्ट करते हैं, गले में ठंडक आ गई है। यार गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके काटने की साइंस ट्रिक, मतलब इसके जो कटने के पीछे जो राज है किस तरीके से कटा। एक्चुअली में होता क्या है यार गाइस, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड से घूमती है तो वो जो सामने वाली चीज़ को होती है उसे काट देती है। सिंपली यही सिंपल साइंस ट्रिक है, ग्राइंडर था तेज घूमा तो उसने सिंपली इस टेबल पर रखी इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काट दिया। फंडा काफ़ी सिंपल था एंड आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा और पसंद भी आएगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, मेरी केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय भारत जय हिंद।